हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया, जो कि यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं आप। ये देखिए A520, ये दोस्तों FND का सिस्टम है मेरे पास रिपेयर होने के लिए, और ये 2.1 है। इसमें यहाँ पे दोस्तों जो सेटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होते हैं, दो स्पीकर कनेक्ट होते हैं, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो सबवूफर हमारा काम नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे बेस देख सकते हैं वो काम नहीं कर रहा है। अभी आपको चला के दिखाएंगे, फॉल्ट दिखाएंगे क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों कस्टमर ने कहना है कि उसने वॉल्यूम वगैरह चेंज कर लिए हैं, मतलब जो हो सकता था छोटा बहुत काम उनने कर लिया है, और आगे हमें देखना है क्या चीज़ है। उसने IC को टेस्ट किया है कि IC ठीक है, तो कैसे टेस्ट किया है वो चीज़ देखेंगे और करेंगे इसे रिपेयर। तो सबसे पहले देखिए इसका पावर कोड, ये है पावर कोड लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने पावर कोड लगा दी है आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हम इसे स्विच को कर देते हैं ऑन। तो जैसे स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अभी चलिए इसे चेक करते हैं दोस्तों। तो चेक करने के लिए दोस्तों पहले हमें इनपुट का सिग्नल चाहिए, तो ये इनपुट का सिग्नल है मेरे पास। इनपुट के सिग्नल में मैंने ये दो इनपुट का सिग्नल लिए, और उसमें यहाँ पे दोस्तों इनपुट वाले में लेफ्ट पे लेफ्ट और राइट पे राइट कनेक्ट कर दिया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों कनेक्ट है आपस में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ कोई भी, तो मैं यहाँ पे अपना सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सैटेलाइट स्पीकर लगा के दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। सैटेलाइट स्पीकर लगा के दिखाएंगे, तो अभी मैं यहाँ पे दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर लगाता हूँ। ये मेरे पास सैटेलाइट स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रेड लाइट इसकी जो है वाइट वाली पिन है। और यहाँ पे आउटपुट में मैं स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। तो आउटपुट में मैंने स्पीकर लगाया, यहाँ से वॉइस बढ़ाएंगे, और अभी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारी कोई भी ऑडियो अभी नहीं आई है, हमने लाइन भी सही दी है। अभी इसे सही से लगाते हैं, आ जाएगी ऑडियो भी। सॉन्ग का प्ले है देख सकते हैं, आवाज आ रही होगी, मैं थोड़ा तेज कर दूसरी में लगाता हूँ यहाँ पे मैं, ये देखिए ठीक है, दोनों में साउंड आ रहा है। ये देखिए लेफ्ट का लेफ्ट पे है, देखिए ये इधर है, मतलब थोड़ा सा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पिन लूज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देखिए ठीक है। और यहाँ पे राइट का राइट पे है आप देख सकते हैं, इधर लगाया और यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों दोनों स्पीकर के ये लगाता हूँ इनपुट में, लेफ्ट और राइट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी बेस का साउंड नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप कोई भी बेस का साउंड नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों कोई भी बेस का साउंड, देखें इससे पता लग सकता है आपको, देख सकते हैं। और बेस का जो वॉल्यूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम फुल है, ठीक है ना, एकदम फुल है ये देखिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसे कर लेते हैं ओपन। इसमें एक दो पेच लगे हुए हैं जैसे वो मेरे पास लेके आया है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए क्या नहीं, आपको कम्प्लीटली हम गाइडेंस देंगे। तो वीडियो को पूरे बने रहें दोस्तों लास्ट तक, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसका बैक पैनल खोल लिया है। बैक पैनल खोलने के बाद यहाँ से एक कनेक्टर आया हुआ है बेस का, जो सबवूफर का स्पीकर है। तो यहाँ पे हमें फिजिकली देखना है, इसके तार वगैरह तो नहीं टूटे हुए हैं, तो फिजिकली अगर हम देख पा रहे हैं तो अंदर जो है वायर ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे दोस्तों वायर वगैरह जोड़ने हो। और यहाँ पे जो कनेक्टर है, कनेक्टर पूरे रूप से सही तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखना है फिजिकली में हमें कोई IC तो फटी हुई नहीं है। तो देख सकते हैं तीनों IC ओरिजिनल है, तीनों IC वही कंपनी से डली आती है वही की वही है, और तीनों IC फटी हुई भी नहीं है। वैसे एक IC चेंज है कोई बात नहीं है, पर बढ़िया वाली है डाल रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3, तो यहाँ पे ये वाली जो IC है ये सबवूफर के लिए, यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी सैटेलाइट की है और ये भी सैटेलाइट की है, तो सैटेलाइट तो हमारी ओके बज रही है, तो हमारी सबवूफर की IC काम नहीं कर रही है। तो अब कंफर्म कैसे करें कि IC खराब है, या हमारे दोस्तों वोल्टेज की प्रॉब्लम है, या टोन की प्रॉब्लम है? तो ऐसी कंडीशन में हमें साउंड को प्ले करके रखना है, ठीक है, हमें साउंड को प्ले करके रखना है। तो हम करेंगे क्या उस कंडीशन में, अपना स्पीकर कनेक्ट करके उसमें क्या करेंगे, इसमें नॉइस चेक करेंगे, ठीक है, नॉइस कितनी आ रही है। पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे स्पीकर अभी रन कंडीशन में, देखिए ठीक है ना, ये रन कंडीशन में है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक है वॉल्यूम का और एक है बेस का। तो बेस का टोन एकदम बिल्कुल फुल है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3, ठीक है, पिन नंबर 3 अगर वॉल्यूम इस तरह से देख रहे हैं तो पिन नंबर 3 ग्राउंड है, तो 1 नंबर 2 नंबर को आपको इस तरह से टच करके देखना है, ये देख सकते हो। तो 1 नंबर 2 नंबर में टच कर रहा हूँ, तो कोई भी हमें हमिंग नॉइस वगैरह नहीं दिखने को मिल रही। अब यहाँ पे ये है IC इसकी, ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और 5 ये है। ये इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पे प्लस वोल्टेज, सॉरी माइनस के 15 वोल्टेज, और यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ के प्लस के 15 वोल्टेज। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये यहाँ पे भी सिग्नल पे हाथ लगा के देख लेते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे,
ये देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है स्पीकर पे, सबवूफर पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे, प्लस के वोल्टेज और माइनस के वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को रखा और एक प्रोब इसकी ग्राउंड कर देनी है। तो ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो तीन तरह की सप्लाई है, प्लस वोल्टेज, माइनस, ये पूरा माइनस है यानी ग्राउंड का पॉइंट, और ये माइनस की है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं प्लस किधर है माइनस किधर है। तो देख सकते हैं माइनस के यहाँ पे, ये देखिए मीटर में देखिए माइनस के 14 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के देखते हैं, प्लस के 14 वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देख सकते हो प्लस के 14 वोल्टेज हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी 1 2 3 3 नंबर पिन जो है, जो कि माइनस वोल्टेज आती है, देख सकते हो माइनस के 14.39 वोल्टेज प्रेजेंट है। और पिन नंबर 4 से होती है आउटपुट स्पीकर की, जो कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट गई हुई है। और पिन नंबर 5 होती है इसकी दोस्तों +15 वोल्टेज या 14 वोल्टेज या 12। तो देख सकते हैं प्लस की 14 वोल्टेज प्रेजेंट है पिन नंबर 5 पे, और पिन नंबर 5 पे वोल्टेज प्रेजेंट है, पिन नंबर 3 पे वोल्टेज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सिग्नल भी आ रहा है और हमारी वोल्टेज भी आ रही है, और आईसी हमारे काम नहीं कर रही है। तो हम उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, अब हमें स्पीकर को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो स्पीकर का यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसकी ओम्स में रीडिंग चेक कर लें। तो इसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 7-8 ओम्स के आसपास आनी चाहिए। तो रीडिंग चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों 4.1 ओम्स आ रही है, इसमें 4 ओम्स का सबवूफर लगा हुआ है, 7-8 भी आ सकती थी, अभी सर्किट में लगा हुआ है, ओपन सर्किट नहीं है। तो 4 ओम्स आ रही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी 4 ओम्स लगाती है, कोई 8 ओम्स लगाती है। तो देख सकते हैं 4.323 के आसपास आ रही है। तो सबवूफर की रीडिंग ओके है, सप्लाई की रीडिंग ओके है, इन्वर्टिंग सिग्नल भी हमारा आ ही रहा होगा, क्योंकि नहीं तो ना आता तो हम इस पर दोस्तों हाथ ला के देखते तो सबवूफर वाइब्रेशन करता। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ से इस आईसी को खोल लेना है। तो इस आईसी को खोलने के लिए सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ से एक पेच खोलना है ये, और ये जो आप देख सकते हैं ना, ये टोन जो है ये हमें बाहर निकालना होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि दोस्तों इसे खोलने के लिए हमें ये सिस्टम खोलना पड़ेगा, इससे ही इसका लेन देन है, क्योंकि वहाँ से हमारा पेचकस नहीं चल सकता या स्क्रू ड्राइवर, जो भी आप जिससे भी खोलोगे। तो दोस्तों ये हमारा, अब इसमें आईसी चेंज करनी पड़ेगी और हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों इसको पिनों को खोल रहे हैं, और जल्दी से अभी इसको आपको दिखाते हैं खोल के। तो यहाँ पे हम इसके ये स्क्रू को भी खोल लेंगे। तो हमने स्क्रू को खोल लिया है यहाँ से, और यहाँ से सेट को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हमें यहाँ से निकाल लेना होगा, यहाँ पे भी एक पेच लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेंगे, और इस आईसी को दोस्तों हम रिप्लेस करेंगे अभी। तो ये हमने यहाँ से खोल दिया है पूरा। तो दोस्तों अब हम इस आईसी को यहाँ से खोलेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो इस आईसी को दोस्तों हम हीट सिंक पे से खोल लेते हैं, पहले इसकी सोल्डिंग जो है वो रिमूव करते हैं। तो सोल्डिंग रिमूव करने के लिए हमें डिसोल्डिंग पंप का यूज़ करना है या सील्ड वायर का यूज़ करना है। तो हम सील्ड वायर ले लेंगे या डिसोल्डिंग पंप ले लेंगे, कुछ भी एक चीज़ ले सकते हैं, डिसोल्डिंग वायर या पंप। तो हमारे पास डिसोल्डिंग वायर है जो कि बेस्ट है, तो उसके लिए हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से। इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम दोस्तों आईसी पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और इस आईसी को रिमूव करेंगे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे दोस्तों, आईसी किस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आईसी 100% खराब है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार आईसी शॉर्ट भी नहीं होती है, लेकिन वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आईसी खराब हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आईसी हर बार शॉर्ट ही होगी, ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर बार आईसी शॉर्ट ही हो। तो ये चीज़ आपको पता लग गई है कैसे कैसे टेस्ट करनी है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टेस्ट कर लेनी है हाथ लगा करके, और सप्लाई टेस्ट कर लेनी है कम्प्लीटली कि हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि अगर सप्लाई भी मिसिंग होगी तब भी फॉल्ट आएगा। अगर सप्लाई मिसिंग होती तो दोस्तों सीधी सी बात है हमारा उसमें और आईसी पे भी दिक्कत बनती, और आईसी पे तो दोस्तों हमारा जो है सिग्नल यानी कि वोल्टेज जो है सही आ रही होंगी बिल्कुल, और वहाँ पे दोस्तों हमारा साउंड भी प्रॉपर आ रहा है। तो इस आईसी को यहाँ से हम खोल लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गलती आप इसमें कभी भी एक चीज की ना करें, क्या चीज़, देखिए इसमें क्या होता है, सबवूफर के लिए अलग आईसी होती है और हमारी सैटेलाइट के लिए अलग आईसी होती है। अभी देखेंगे शायद किसी ने वही गलती तो नहीं कर रखी है, क्योंकि ये वाली आईसी बदल रखी है, लेकिन लगा अच्छी रखी है कंपनी से जो आती है, लेकिन बदल रखी है। अब वो देखेंगे कि इन्होंने गलती कर रखी है नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये देखिए आईसी का आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो आईसी लगी हुई है दोस्तों
टीडीए 2050 है, तो हम दोस्तों टीडीए 2050 आईसी डालेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हम नई 2050 आईसी डालेंगे, उससे पहले यहाँ पे लैकर को साफ कर लेते हैं जो लगा हुआ है यहाँ पे, जिसे हम हीट कंपाउंडर बोलते हैं। तो हमें इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा, तो यहाँ से हम दोस्तों इसे अच्छे से क्लीन करेंगे और हम यहाँ पे नया हीट कंपाउंडर लगाएंगे। तो यहाँ से हमने क्लीन कर दिया है, अब दोस्तों नया हीट कंपाउंडर लगाएंगे। और नया हीट कंपाउंडर लगाने के बाद दोस्तों हम आईसी को अच्छे से कस देंगे। ठीक है, आईसी पे लगा लो या हीट सिंक पे लगा लो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम दोस्तों आईसी को लगा रहे हैं। दोस्तों ये तरीके होते हैं इनको टेस्ट करने के, और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ इन चीज़ों की ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट जो खोले हैं, मतलब पब्लिक ने खोल रखा है, तो इसका चार्जेस मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीना लेते हैं वो। और दोस्तों उसमें क्या है, सिर्फ वो आपको बताते हैं हमारे पास क्या है दोस्तों, बताया भी जाएगा, रिपेयर भी करके दिखाया जाएगा, कस्टमर ने हमें क्या बोला वो भी बताते हैं हम, जैसे जैसे लेकर आता है सब कुछ बताते हैं हमारे पास जो है, बिल्कुल लाइव वीडियो होती है प्रैक्टिकली। और जो क्या है बाकी उन पे क्या हुआ है, उनका काम तो ये होता है भाई, जैसे आया मतलब उनके पास ही रखे होते हैं, उसमें ही फॉल्ट वॉल्ट बताने लगते हैं, बस इतना काम होता है। अब देखिए दोस्तों हमने आईसी को इतना अच्छे से टाइट किया है कि बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई, और ये थोड़ी ओपन है तो हम इन पे भी थोड़ा सा हाथ मार देंगे, बिल्कुल सही है फिलहाल वैसे तो, पर ये सही तरीके से नहीं लगा रखी उन्होंने, जैसे मतलब लगनी चाहिए प्रॉपर हीट सिंक पे अच्छे से कसी हुई। तो अब हम दोस्तों इसमें आईसी की सोल्डिंग करेंगे। तो आईसी की दोस्तों सोल्डिंग जब भी आप करें तो बहुत अच्छे से करनी है, और सफाई जरूर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सोल्डिंग कर दी है, अब यहाँ पे दोस्तों सफाई कर लेंगे थोड़ी सी, उससे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सेट को ऑन करते हैं, तो सेट को ऑन किया, इसके अंदर दोस्तों सिग्नल देते हैं कोई भी एक, तो इसके अंदर वही सिग्नल देंगे जो हम पहले दे रहे थे इसके अंदर। तो इनपुट ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ओपन है, ये देख सकते हैं। आपको साउंड आ रहा होगा अंदर से, बेस आने लगी है, ये देख सकते हैं, और काम भी कर रहा है। तो दोस्तों हमारा होम थिएटर बिल्कुल ओपन हो चुका है, आईसी इसके अंदर खराब थी, इसके सिग्नल देना बंद करते हैं। तो सिग्नल हमने बंद कर दिया, अब दोस्तों हमारा होम थिएटर पूरा ओके हो चुका है। इसी तरह से आपको दोस्तों रिपेयर करना है। अब सैटेलाइट स्पीकर भी चला के दिखा दूंगा, सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं है, ये देखिए, पूरा सेट हमारा ओके, ऐसे पैक कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे, अपना जो भी सर्च चार्ज बनेगा और आईसी का चार्ज होगा वो ले लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज कितने, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।